Student, very good evening to all. I am Sharma. Welcome to Other 24/7 Class 11, 12. Hanji, how you all? are Hello, 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 student. Hello, students. Very good morning. Very good. Very good evening. Very good evening. चलिए बच्चों जल्दी से आ जाओ फटाफट से जल्दी से टाइम हो गया है और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यूएस हिजबनी है राइट तो इससे पहले हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं द कोल्ड वॉर एरा और सेकेंड हमने किया था द बाइपोलर वाला ठीक है द एंड ऑफ बायपोलर राइट तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका जो आपका जो चैप्टर थर्ड होगा होगा वो द द यूएस यूएस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ठीक है तो तो यूएस क्या थी तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में तो फटाफट से जल्दी जल्दी से आ जाइए और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूएस मनी तो बच्चे हेज मनी है क्या ठीक है तो हैज मनी है क्या थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम इसका चैप्टर का तो बेसिकली ये चैप्टर किसका है देखो बच्चे कोल्ड वॉर एरा में हमने पढ़ा था कि दो पूरा जो है मतलब आइडियोलॉजी के बेस पर ये जो पूरा वर्ल्ड जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था जिसको बायपोलर कहा जाता है ठीक है यूनिपोलर कहा जाता है जब सिंगल पावर होती है बायपोलर का मतलब जब टू पावर्स में डिवाइड होगी तो बाय का मतलब हो गया डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स राइट अब क्या होगा कि जब यूएसएसआर का डिस इंटीग्रेशन हो गया था जो हमने सेकेंड चैप्टर uh, में पढ़ा था तो बायपोलर का मतलब होता है कि जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया था उसके बाद यूएस अकेली सुपर uh, पावर रह गई थी वर्ल्ड के अंदर यूएसएसआर का डिस इंटीग्रेशन हो गया था वो हम पढ़ चुके हैं ठीक है थीके? अब जब एक के हाथ में पावर आएगी तो आप ये सोचो उसके उसकी दादागिरी नहीं बढ़ जाएगी उसकी हैज मनी उसकी डोमिनेंस बाकी की अदर कंट्रीज पर नहीं बढ़ जाएंगे ठीक है टोटल गेमिंग हेलो टोटल गेमिंग जी ठीक है तो उसकी डोमिनेंस उसका प्रभुत्व बाकी की कंट्री पर पड़ जाएगा ठीक है वो अपनी मनमानी करेगा अपने रूल रेगुलेशन ख़ुद बनाएगा ठीक है तो कोई उसका ऑर्डर नहीं फॉलो करेगा तो उसको पनिशमेंट भी देगा तो इस तरह से वो कहते हैं ना कि पूरी पावर फॉर एग्जाम्पल कि आपकी क्लास में आपको मॉनिटर बना दिया जाता है कि तुम सारे बच्चों की रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारे तुम्हारे ऊपर है क्लास में टीचर कहते हैं कि क्लास में कोई झगड़ा वगैरह टाइप में नहीं होने चाहिए तो सबको आप इक्वली ट्रीट करके चलेंगे ठीक है अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होता तो एक तरह से टीचर ने आपको पावर दे दी ठीक है तो पावर दे दे तो थोड़ा सा तो आपके अंदर ईगो आएगा ना कि मेरे पास देखो मैं मॉनिटर बन गया हूँ तो सब बच्चों को मेरी बात माननी पड़ेगी ठीक है तो आप अपने तरीके से बात को मनवाते हो तुम यहाँ तुम यहाँ से उठो तुम वहाँ बैठ जाओ तुम वहाँ उठो वहाँ से बैठ जाओ तुम्हें इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना खैर ऐसा होता नहीं है दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ होती है तो ऐसे ही हुआ था कुछ अमेरिका के साथ में तो अमेरिका और यूएसएसआर ये दो सुपर पावर थी तो इन दो सुपर पावर में से एक पावर चली जाती है बेचारी बाहर बाहर निकल निकल जाती है, जाती है है हार तो यूएसएसआर गई थी अब मैदान में कौन रह गया था मैदान में रह गया था मैम एमसी क्यू कराओ टाइम वेस्ट ना करो एमसी क्यू कर क्यों करवाने हैं भाई ये ट्वेल्थ क्लास की ये है क्लास है ये आपकी सीयूटी की क्लास नहीं है ठीक है और शिल्पा जी आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप जहां पर आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है बच्चे पर वहां पर जाइए पढ़िए क्योंकि ये क्लास उन लोगों उन बच्चों के लिए है जो क्लास 11 से ट्वेल्थ में आए हैं तो ये आरएम बैच उनके लिए है ये सीयूईटी की क्लास नहीं है प्रेक्ष्ट। क्लियर मैम निधि दिस साइड ओके निधि ठीक है ठीक है तो ये था हमारा क्या तो हम इसका चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे तो जब यूएसएसआर का डिस होने के बाद वो उसका विघटन होने के बाद में एक ही सुपर पावर बच जाती है ग्राउंड में मैदान में वो थी आ, अमेरिका तो अब अमेरिका की हैजमनी स्टार्ट हो जाती है उसकी दादागिरी स्टार्ट हो जाती है कैसे स्टार्ट होते थे क्या इसके पीछे रीजंस क्या थे ठीक है क्यों उसके हाथ में पावर आ गई थी क्योंकि वो सुपर पावर थी तो दो सुपर पावर में से एक सुपर पावर जब चली गई थी तो उस सिचुएशन में क्या होगा उस सिचुएशन में होगा कि उस पावर को यूटिलाइज करना ठीक है तो उस पर्टिकुलर जो सुपर पावर बनी थी तो वो क्या करती है एक तरह से अपना प्रभुत्व जो है बाकी की कंट्रीज पर दिखाना शो करती है ठीक है तो यहाँ पर हैज़ मनी का मीनिंग क्या होता है आप एक तरह से आप उसकी दादागिरी या उसकी डोमिनेंस रूल करना जब किसी छोटी चो, छोटी कंट्री को अपनी अलाइंसिस बनाना फिर उसको यूज़ करना अपने मन माने तरीके से रूल रेगुलेशंस करना तो इस टाइप की दादागिरी इस तरफ की हैज़ मनी जो है वो यू की बढ़ जाती है यू की ठीक है वी हैव सीन दैट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर तो जब कोल्ड वॉर का एंड हो गया था अच्छा मुझे ये बताओ कोल्ड वॉर एंड कब हुआ था 1945 से स्टार्ट हो गया था और 1991 में ये एंड हो गया था ठीक है तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये स्टार्ट हो गया था 1991 में ये खत्म हुआ था तो बात किसकी कर रहे हैं वी हैव सीन हमने देखा कि एंड ऑफ द कोल्ड वॉर द यूएस विदाउट द सीरियस राइवल इन द वर्ल्ड द एरा सिंस हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पीरियड ऑफ यूएस तो एक राइवल उसका एक दुश्मन कौन था यूएसएसआर वो चला जाता है तो एक ही तो पावर रह गई ना अब तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई थी तो अब क्या कर रहे हैं द द एरा सिंस हैज डिस्क्राइब पीरियड ऑफ यूएस डोमिनेंस और अ यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो बायपोलर में जो हो रहा था अब वो यूनिपोलर हो गया था मैंने क्या बताया था बायपोलर में होने की वजह से क्या हुआ था एक तरफ यूएसए था एक तरफ यूएसएसआर था तो दो पार्ट में बट गया था लेकिन यूएसएसआर के चले जाने के बाद अब वो यूनिपोलर हो गया था सिर्फ एक पावर रह गई थी वी बिगेन टू द नरेटिंग स्टोरी ऑफ द राइज ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फ्रॉम द फर्स्ट गल्फ वॉर टू द यू एस इन्वेजन इराक ठीक है तो ये इसके पीछे रीजन क्या थे इसके पीछे के रीजन क्या थे क्योंकि वो वो सुपर पावर बनना चाहता था यूएसए और वो बन गया यूएसए सरकार के आर के बाद वो बन गया ठीक है चैप्टर थ्री नहीं करवाया था सी की तैयारी कब करवाओगे कौन से सी की तैयारी बच्चे सी की तैयारी हमारी होती है टू थर्टी पर ठीक है टू थर्टी पर होती है और टू थाउजेंड ये आपकी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का बैच स्टार्ट हो गया है तो आप चाहे तो वो बैच ले सकते हैं ट्वेंटी थ्री के लिए और पेड बैचेस स्टार्ट हो गए हैं बाकी अगर आप एम सीरीज़ की आप क्लासेज लेना चाहते हैं तो वो हमारी टू पर होती है रेगुलर ठीक है हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लियर यहां पर आपको थियोटिकल 11 से जो ट्वेल्थ हैं उनके लिए ये क्लासेस हैं आप भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर एक आपको डिस्क्रिप्शन तो तो आप तो ना तो क्लास आपके लिए नुकसानदेह भी नहीं होगी क्लियर ठीक है अब हम क्या करेंगे ये फर्स्ट गल्फ वॉर तो बच्चे फर्स्ट गल्फ वॉर किसको कहते हैं देखो स्टोरी ऑफ द राइज ऑफ द अब देखो फर्स्ट गल्फ वॉर का मतलब होता है कि आपने कोई चीज लाइव टेलीकास्ट देखी है वो आंखों से आपने देखा है उसको और जब आप उस उसको किसी अदर पर्सन को बता रहे हो नरेट कर रहे हो कि मैंने वहां पर वो वो चीजें देखी तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही थी कब हो रही थी वेन टू दू ले, एस लेट द इनवेजन इराक तो जब इराक पर यूएस का अब ये ये फंडा क्या था जब यूएस ने इराक पर अटैक किया तो इराक पर क्यों अटैक किया ये बात सुनो, सुनो, इसके पीछे का रीजन सुनो, क्या था तो इसका रीजन ये था कि इराक ने कुवैत पर कब्जा किया हुआ था कुवैत क्या था कुवैत एक उसकी मतलब एक ऐसा एरिया था जहां पर उसकी इंडस्ट्रीज काफी सारी थी ठीक है तो उसमें क्या किया गया इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया अब कुवैत जाता है किसके पास यूएस के पास में और आ, जो है वो मतलब कि हमें इंडिपेंडेंसी चाहिए और हमें इराक़ से छुटकारा दिलाने के लिए आप हमारी मदद कीजिए अब यूएस ने क्या किया कि इस चीज़ को इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उसने काफ़ी काफ़ी बार इराक को जो है वो बोला भी कि या तो तुम इसको फ्री कर दो नहीं तो फिर जो है वो बैटल होगी हमारे साथ आपको लड़ाई करनी पड़ेगी तो बहुत सारे कहने के बाद भी मतलब काफ़ी टाइम उनको मनाने के बाद भी थ्रेटन करने के बाद भी उनको काफ़ी सारे मतलब एक डॉक्यूमेंट भी भेजे गए उनको पेपर मतलब ऑन पेपर भी भेजे गए कि या तो तुम अपने ये जो इराक है मतलब कुवैत जो है या तो तुम अपने से अलग कर दो नहीं तो तुम्हें हमारी लड़ाई करनी पड़ेगी तो इराक जो है वो नहीं माना एटलीस्ट क्या होता है यूएस जो है वो इराक पर क्या करता है इराक पर वो अटैक कर देता है तो जो ये अटैक वाला सिस्टम जो था जो उस पर हो रही थी बम फेंके जा रहे थे और शूटिंग की जा रही थी मतलब फायरिंग स्टार्ट हो रही थी एक सैनिक दूसरे सैनिक से लड़ रहे थे तो इस तरह से जो जो वॉर चल रहा था तो उस वॉर की सिचुएशन को कहा जाता है फर्स्ट गल्फ वॉर और ये जो गल्फ वॉर था ये क्या था बच्चे ये एक तरह की ऐसी लड़ाई थी शिल्पा आज पेपर है सीयूटी का हाँ बच्चे पेपर था सीयूटी का ठीक है तो क्या हुआ था देखो अगस्त 1990 में बात किसकी हो रही है अगस्त 1990 1990 की बात हो रही है जब कुवैत पर कब्जा कर लिया था किसने इराक ने ठीक है तो कुत ये हेल्प मांग रहा था किससे यूएसए की हमें रिलीज करा दिया जाए इससे इसके साथ में क्योंकि सुपर पावर वही था तो हेड को ही तो बोला जाएगा ना तो यहां पर कुएत ने हेल्प मांगी यूएसए की हमें फ्री कर दिया जाए किससे इराक से तो इराक को काफी बार बोला गया लेकिन वो नहीं माना तो नहीं माना तो यूएस ने कहा कि तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें ईट का जवाब पत्थर से जरूर मिलेगा तो इस तरह से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है यूएस की आर्मी ठीक है अब बात आती है किसकी कि जब ये ऑपरेशन जो ये चल रहा था कि जब कुएत पर वो अटैक कर रहे थे तो इसको कहा जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रोम क्या कहा जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रोम इसको डेजर्ट स्ट्रोम क्यों कहा जाता है क्योंकि जब बम्बार्डमेंट हो रही थी तो उस सिचुएशन में बॉम्ब जो फेंके जा रहे थे तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो था वो डस्टी हो गया था धूल मिट्टी काफी जगह मतलब एक तरह से आप ये लगा लो कि चारों तरफ धूल मिट्टी धूल मिट्टी है दिखाई दे रही थी तो या फिर आर्मी के सोल्जर जो है वो कम दिखाई दे रहे थे इंसान कम दिखाई दे रहे थे डस्ट ज़्यादा दिखाई दे रही थी इसी को कहा जाता है ऑपरेशन डस्ट जो कि यूएस ने कुवैत पर जब अटैक किया था यहां तक बात क्लियर हो गई यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चे बताइए क्लियर हो गई यहां तक बात ठीक है और इस वॉर में इस बैटल में मतलब इस लड़ाई में अमेरिका ने खुलकर प्रदर्शन किया मतलब अपनी अपनी जो शक्तियां थी उसके पास जो पावर थी उसका खुलकर के यूज किया कि देखो वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि देखो मेरे पास कितनी पावर है अगर तो तुमने मेरे खिलाफ कोई भी आवाज उठाई या कुछ आवाज उठाने की जरूरत भी की ठीक है तो मैं इस तरह से उसको पनिश कर सकता हूं तो एक तरह से वो अपनी डोमिनेंस भी अपनी हैज़मनी भी दिखा रहा था साथ साथ में दुनिया को ये भी सबक दे रहा था कि अगर तुम किसी के साथ गलत करते हो तो उसके लिए आपका एक हेड बैठा हुआ है उसका नाम है यूएस वो आपको पनिशमेंट देगा ठीक है तो यहां पर यह था तो दा 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 नेचर दौ, हैजम, तो इसी तरह से ये आया का अच्छा ये जो वर्ड है बच्चे ये कहां से डिराइव होकर आया है कौन सी भाषा से, से निकल कर आया है तो यह आया है ग्रीक से ठीक है कई बार क्वेश्चन भाषा से निकलकर आया है तो यह आया है ग्रीक भाषा से यहां तक समझ में आ गई बात भूमिका समझ में आ गई बे समझ में आ गया कि क्या था यूएस का जो प्रभुत्व था यूएस का जो आ, मतलब एक तरह से उसकी डोमिनेंस जो थी वो कहां से स्टार्ट हुई कब से स्टार्ट हुई तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको चलिए अब आगे चलते हैं ठीक है आगे के चैप्टर पर चलते हैं ध्यान से सुनना समझना बच्चे देखो आपकी एनसीआरटी में ना एक इस तरह का एग्जाम्पल दिया होगा किसका आयशा जाबू और द अंधेरी का अब ये तीन स्टूडेंट कौन थे इनकी अपनी अपनी ओपिनियन थी कि ये वॉर जो हुआ ये सही हुआ गलत हुआ तो इनकी टर्म एंड कंडीशन दी हुई है ठीक है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है आयशा एक लड़की थी वॉज डूइंग द वेरी वेल इन हर स्टडी बहुत अच्छी थी स्टडी में एट अ हाई स्कूल इन द आउटस्कर्ट ऑफ द बगदाद ठीक है तो ये बगदाद की रहने वाली थी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी एंड द प्लानिंग टू स्टडी द मेडिसिन इन द यूनिवर्सिटी राइट और ये मेडिसिन की स्टडी करना चाहती थी मतलब जो आपकी ये जो होती है ना क्या बोलते हैं इसको आ, फार्मर्सी की ठीक है तो इसकी स्टडी करना चाहती थी शी लॉस्ट अ लेग ठीक है उसने अपना एक पैर खो दिया था इन टू थाउजेंड थ्री वेन अल slammed into an एयर एयर रेट द शेल्टर इन विच शी वॉज हाइडिंग विद हर फ्रेंड्स तो एक बार क्या होता है इनके एरिया पर अटैक होता है ठीक है मिसाइल से अटैक होता है तो उस उस कंडीशन में इसकी मतलब एक पैर पर चोट लग गई थी और उस चोट का मतलब रिजल्ट क्या निकला कि वो चोट जो थी क्योंकि बहुत दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल तो थे नहीं उस टाइम में तो ये क्या करें वेन मिसाइल स्लैम्ड इन टू एन एयर रेट द शल्टर तो ये हवा में उड़ती हुई कुछ ऐसी चीज आई जो इसके पैर पर जाकर लगती है एन विच शी वॉज हाइडिंग हर हर फ्रेंड और ये जो अपने फ्रेंड के साथ में जो छुपी हुई थी तो जैसे वो बाहर निकलती है तो कुछ ऐसी चीज इसको स्टक करती है इसके पैर पे जिसकी वजह से इसका पैर इसका लॉस्ट हो जाता है वैन शी इज लर्निंग टू वॉक टू ओवर अगेन जैसे वो उसको चलने की कोशिश कर रही थी स्टिल प्लान्स टू बिकम अ डॉक्टर राइट बट ओनली आफ्टर द फॉरन आर्मीज लीव हर कंट्री लेकिन इसने क्या किया कि के की हेल्प से इसने क्या किया कि वहां, वहां वो जगह पर छोड़ करके दूसरी जगह पर क्या हो जाती है माइग्रेट हो जाती है ट्रांसफर हो जाती है ठीक है बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड वॉर ऑर्डर तो ये जो छोटा सा ये आपको दिखाया गया कि किस तरह की सिचुएशन बन गई थी वहां पर जब वॉर चल रही थी तो वॉर में बच्चे एक तरफ से अटैक आएगा तो दूसरी तरफ से भी अटैक आएगा अब इस दोनों तरफ से अटैक के चक्कर में जो बीच की जो पब्लिक होती है जनता होती है उनको बहुत सफर करना होता है किसी को इमीडिएटली कुछ भी हो जाता था ठीक है तो सडनली कुछ भी हो जाता था किसी के पैर हाथ टूट जाते थे कोई बीमार पड़ जाता था कोई किसी पर बंबार्टमेंट जब होती थी तो उसकी चपेट में आ जाता था तो वो ऐसे मारे जाते थे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस तरह की सिचुएशन बन गई थी और इसी सिचुएशन में आयशा ने अपनी एक पैर को खो दिया था ठीक है नाउ बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी जो नया वर्ल्ड बना है नई दुनिया जो बनी है ये कैसे बनी कौन सी बनी ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे देखो द सडन कोलेप्स ऑफ द सोवियत यूनियन टुक ओवर एवरी वन बाय द सरप्राइज ठीक है तो सोवियत यूनियन क्या हो गया था कोलेप्स हो गया था यूएसएसआर सोवियत यूनियन उसी को कहते हैं ना तो वो कोलैप्स हो गया तो उसका विघटन हो गया था तो वो खत्म हो गई थी वन ऑफ द द टू टू सुपर सुपर पावर पावर सीज एग्जिस्ट तो two, two में से एक पावर रह गई थी द अदर द रि दैट ऑल इट्स पावर इंडिकेट वैन द इनहेंड दस इट वुड अपियर दैस यूएस हैज मनी बिगेन और जब एक सुपर पावर जब दो सुपर पावर थी एक चली जाती है तो जाहिर सी बात है एक रहेगी उसी की डोमिन रहेगी उसी का रूल चलेगा स लार्जली करेक्ट बट वी नीड टू कीप द माइंड इन द टू राइडर्स टू दिस फर्स्ट क्या है सम आस्पेक्ट टू दू एस मनी डिट मर्ज नॉट डिट मर्ज 1991 मैंने क्या बताया कि जब यूएसएसआर का डिस इंटीग्रेशन हो गया था मतलब कोल्ड कोल्ड वॉर वॉर खत्म खत्म हो गई थी 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 कब कब हुई 1991 में स्टार्ट आएगा तो की आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर आप कह सकते हो कि 45 में ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी क्योंकि जैसे ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दोनों की आइडियोलॉजी मैंने आपको शायद बता दिया था कि एक तरफ लाइट पावर थी एक तरफ एक्सिस पावर थी तो एक्सिस अलाइड पावर की तरफ से यूएसए और क्या थी यूएसएसआर दोनों वो कर रहे थे और इनके साथ में वो थी आपकी ब्रिटेन था ठीक है ब्रिटेन था और इटली थी फ्रांस था ठीक है तो यहां पर फ्रांस कर देंगे ठीक है अब ये ब्रिटेन और फ्रांस ये भी चली जाती हैं क्योंकि इनका काफी सारा नुकसान हुआ था तो ये भी कंपनसेट करने के लिए दूसरी कंट्री को रूल करना स्टार्ट कर देती है जैसे ब्रिटेन ने हमारी कंट्री को कॉलोनी बनाया था ऐसे ही फ्रांस ने किया कि फ्रांस भी अलग अलग कंट्री पर जाकर रूल करने लग जाता है तो वहां के उनको रिसोर्सेज को यूज करके तो वो अपना नुकसान की भरपाई कर रहा था अब ये दोनों भी चले जाते हैं मैदान से अब दोनों कौन रह गए थे ये दोनों रह गए थे अब इसमें से भी यूएसएसआर का डिस हो जाता है अब कौन बची सिर्फ और सिर्फ यूएसए तो इसकी है स्टार्ट होगी कि नहीं होगी इसकी दादागिरी स्टार्ट होगी बाकी की कंट्री पर तो क्या कहता है सेकेंडली द यूएस डिड नॉट स्टार्ट बिहेविंग लाइक दनिक पावर राइट टू फ्रॉम तो स्टार्टिंग में इसने स्टार्टिंग में ही अपनी Uh, रोब जमाना स्टार्ट नहीं कर दिया था धीरे धीरे किया था ना पावर तो धीरे धीरे उनको शो करनी पड़ेगी इट बिकेम द क्लियर मच लेटर द वर्ल्ड वॉज फैक्ट लिविंग द पीरियड ऑफ द हेजमनी तो अब पूरा वर्ल्ड जो है वो यूएस की हैजमनी का शिकार हो गया था तो अब धीरे धीरे अब जब हम लास्ट में इसके जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे तो इस यूएस को यूएस की हैजमनी को रोकने के लिए छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बननी स्टार्ट हो जाती है ये डिस्कस करेंगे हम फोर्थ चैप्टर में ठीक है हेलो प्रतीक्षा क्लियर यहां तक की कहानी समझ में आ गई आपको यहां तक समझ में आ गया बच्चे यहां तक समझ में आ गया जल्दी बताओ यहां तक की क्वेरी है कोई आपके पास जल्दी बताइए बच्चे यहां तक क्लियर हो गया यहां तक क्लियर हो गया गुड इवनिंग दिवेश शर्मा ठीक है अब ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रोम था ना जो कुवैत पर आ, किसने यूएस ने जब

यूएसए अटैक कर रहा था किसको आ, इराक को तो ये जो बीच का प्रोसेस था यहां से यहां पर जो अटैक चल रहे थे तो इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था ठीक है तो इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था और अमेरिका पता है क्या कर रहा था अमेरिका इस लाइव टेलीकास्ट को दिखाने के लिए देशों से पैसे ले रहा था कि तुम्हें अगर इस युद्ध को आंखों देखी देखना है तो तुम्हें इसके लिए फाइनेंस करना पड़ेगा तुम्हें इसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे तभी मैं तुम्हें मूवी दिखाऊंगा तो कहते हैं ना जब हम मूवी देखने जाते हैं तो पहले हम पैसे देते हैं पहले हम टिकट खरीदते हैं तब जाकर हम थिएटर में जाते हैं सिनेमा में जाते हैं तब जाकर हम मूवी देखते हैं तो सेम यही सिचुएशन की थी किसने अमेरिका में कि मैं ये लाइव टेलीकास्ट तब दिखाऊंगा जब आप हमें इसके लिए पैसे देंगे तो जिन-जिन कंट्री ने इसके लिए पैसे दिए उसको लाइव टेलीकास्ट दिखाएगा इसीलिए इसको कहा जाता है ऑपरेशन क्या बोलते हैं वीडियो गेमिंग वॉर ठीक है क्लियर तो वीडियो गेमिंग वॉर इसी को कहा जाता है ठीक है बच्चे अब ये दो पॉइंट क्लियर हो गए क्लियर हो गए दो पॉइंट ठीक है और और दूसरी बात यह कि जब कुवेत पर जब अटैक किया जा रहा था तो अमेरिका के साथ में देखो यूके अमेरिका ने क्या किया था 34 कंट्रीज़ के साथ में कितने 34 कंट्रीज़ के साथ में और इसने कुवैत को छुड़ाने के लिए इराक पर 34 कंट्रीज़ की हेल्प ले करके और इराक पर ये आक्रमण करता है अच्छा इसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो यूके को नहीं थी ठीक है यूएन को नहीं थी और इस सिचुएशन में क्योंकि यूएन ने जो था बच्चे उसको वो एक क्या था वो सुप्रीम आ, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन थी तो उसको इन्फॉर्म करना जरूरी होता है जबकि इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी क्यों नहीं थी क्योंकि अमेरिका खुद ही इस, सुपर पावर था तो उसने 34 कंट्री के साथ में लेकर के और इस पर अटैक कर दिया तो 34 कंट्री आपको पता चल जाएगा ना कि क्वेश्चन ये भी आएगा कि कितनी कंट्रीज के साथ में इसमें हेल्प ली थी 34 कंट्रीज इसमें लगभग 75 फाइव परसेंट अमेरिकी क्या थे सोल्जर्स थे तो अमेरिका की अगर मान लीजिए थर्टी कंट्री की अगर हंड्रेड अगर आर्मी है उसमें सेवेंटी फाइव जो थी वो अकेले यूएस की आर्मी थी ठीक है बाकी की ट्वेंटी थी वो बाकी की थर्टी कंट्रीज के साथ में थी। तो अब इतने बड़े लेवल का जो अटैक हो रहा था वो दुनिया का अब तक का सबसे अट, बड़ा अटैक माना जाता था और यही जो अटैक था वो उसको कहा गया क्या वीडियो गेमिंग वॉक कह सकते हो गल्फ वॉर कह सकते हो दो पॉइंट अभी मैंने क्लियर करवाए हैं ठीक है थीके? उम्मीद कर दो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए अब आगे करते हैं द क्लिंटन ये कौन थे ये बिल क्लिंटन थे ठीक है अब ये बिल क्लिंटन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो द डिस्पाइट विनिंग ऑफ द फर्स्ट गल्फ वॉर जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश तो ये जो फर्स्ट गल्फ वॉर थी ना बच्चे जो पहली जो गल्फ वॉर हुई थी उसमें प्रेसिडेंट कौन थे ये थे हमारे जॉर्ज बुश ठीक है लॉस द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो ये क्या करते जो 1992 में अमेरिका में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे ये हार जाते हैं ठीक है टू द विलियम जेफर्स दैट इज बिल क्लिंटन और उसकी जगह आ जाते हैं ये जॉर्ज बुश की जगह पर कौन आ जाते हैं 1992 में ये तो हार गए इनको वोट नहीं मिली मेजोरिटी नहीं मिली उसकी जगह आ जाते हैं बिल क्लिंटन ये वाले भाई साहब ठीक है ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी और ये कौन सी पार्टी से थे ये डेमोक्रेटिक पार्टी से लीडर थे हैड कैंपिंग ऑन द डोमेस्टिक रादर देन द फॉरन पॉलिसीज इश्यू ये अपनी कंट्री के मतलब डेवलपमेंट की बजाय ये बाहर के इश्यूज को ज्यादा देख रहे थे कि बाहर से अगर हम प्रोटेक्ट रखेंगे अपने आप को तो बाहरी आक्रमण से अगर हम अप, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं तो बाहरी आक्रमण ना हो तो हमारी इंटरनली जो है वो डेवलपमेंट धीरे धीरे अपने आप से ही हो जाएगी तो ये बाहरी

विड्रॉल इट द इंटरनल अफेयर तो यहां पर क्या होने लगा यूएस हैज हेज विड्रोल इन टू इट्स द इंटरनल अफेयर एंड वॉज नॉट फुली एंगेज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ये क्या किया फिर इसने आकर के नेक्स्ट टाइम जो है वो अपने जो इंटरनली uh, जो इनके इश्यूज थे उस पर ज्यादा ज्यादा ध्यान देने लगे रादर देन कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान दे क्योंकि उनको बाहर से अब क्या करना था कि बाहर की डेवलपमेंट होगी अब मुझे अपनी कंट्री के अंदर वाली सिचुएशन को देखना चाहिए तो धीरे धीरे उन्होंने बाहर की वाले इश्यूज को छोड़ करके अपनी कंट्री पर ध्यान देना शुरू कर दिया और ये दूर ये क्या हो गया नॉट फुल्ली एंगेज तो इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया फॉरन पॉलिसी पर और थोड़ा सा साइड हो गया in the foreign policy the clinton government tended to focus the soft issue soft इशू लाइक डेमोक्रेसी प्रमोशन तो इसने अपनी कंट्री में कौन कौन से इशूज में डेवलपमेंट की फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को लेकर आए कि डेमोक्रेसी में सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है क्लाइमेट चेंज टू वर्ल्ड ट्रेड रादर देन ऑन द हार्ड पॉलिटिक्स ऑफ द मिलिट्री पावर एंड द सिक्योरिटी और धीरे धीरे इसने अपने मिलिट्री पावर को भी और सिक्योरिटी पावर को भी मजबूत करना स्टार्ट किया क्योंकि कहा जाता है माना जाता है और ऐसा है भी कि जिस कंट्री की आर्मी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ही ज्यादा वो पा इसलिए आज आजकल आप देख रहे हो ना कि इंडियन गवर्नमेंट आर्मी पर कितना ज्यादा ध्यान दे रही है तो आर्मी स्ट्रॉन्ग होगी तो बाहर के अटैकर्स थोड़ा सा डरेंगे कि इसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है वेपन बहुत ज्यादा इनके पावरफुल है तो थोड़ा सा डरेगी अटैक करने में क्लियर है यहां तक क्लियर है बच्चे ठीक है चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं नाइन इलेवन एंड द ग्लोबल वॉर ऑफ द टेरर अब ये नाइन इलेवन क्या था हम इसके पीछे की स्टोरी बताएंगे नाइन इलेवन क्या था देखो इससे पहले जो था आपने एक ऑपरेशन एंड ऑपरेशन एंड ड्यूरिंग फ्रीडम सुना होगा राइट कौन सा था ऑपरेशन ऑपरेशन एंड ड्यूरिंग ठीक है आपने ये सुना होगा अपने उसमें एनसीईआरटी बुक में देखा होगा अब यह क्या था तो पहले हम इसको पढ़ेंगे तो क्या होता है 19... आ... गुड इवनिंग दिवेश ठीक है तो इलेवेंथ सेप्टेंबर कितना इलेवन सितंबर 2001 वन को कितना बोल रही हूं मैं इलेवन सितंबर 2001 वन को बच्चे क्या होता है एक यहां पर ऐसा एक ऐसी बैटल होती है एक ऐसा फ्रीडम को लेकर ऐसी बैटल होती है जिसमें बोला गया कि जितने भी अरब कंट्रीज हैं, जितने भी अरेबियन कंट्रीज हैं उनमें से कितने जितने भी मतलब अरब की अलग अलग कंट्रीज ने क्या किया जितने मतलब सारी नहीं जो अलग अलग कंट्री थी किसकी अरब साइड की जो कंट्री थी राइट तो अरब साइड की कंट्री जो थी उसमें से नाइनटीन ऐसे हाई जैकर से उनमें से देखो फॉर एग्जांपल की आ, मान लीजिए ये पूरा का पूरा अरब है ठीक है इसमें से क्या किया गया इसमें से नाइनटीन हाई निकलते हैं हाई समझते हो ना अब

तो उसके चार विमानों को आ, मतलब चार जो उसके आ, जो वो थे क्या बोलते हैं प्लेन्स जो थे वो हाईजेक कर लिए थे और क्या किया गया उनको लेकर के और सीधा उसमें से दो ऐसी थी मैंने कितनी बताया है फोर प्लेन्स थी राइट right? फोर जो उसके जेट प्लेन्स थे उनको हाईजेक कर लिया गया फोर प्लेन्स को और उसमें से दो जो थी वो अमेरिका की आप ये देख रहे हो ना जो दो थी इनमें से चार थी ना तो चार में से दो जो थी वो अमेरिका की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर से उनको उड़ा दिया जाता है ठीक है जब वो वहां से फ्लाई कर रहे थे उड़ रहे थे तो उसमें से क्या किया गया उसमें से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक बिल्डिंग का नाम था ठीक है किस बिल्डिंग का नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ठीक है पर क्या किया गया था ये एक ऐसा सेंटर था जहां पर वर्ल्ड लेवल पर ट्रेडिंग की जो भी डिस्कशन होती थी वो यहां पर होती थी अमेरिका में क्लियर है बात तो आप ये बांधकर चलो एक बिल्डिंग है और उसका नाम क्या है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो ये जो दो ये दो, दो प्लेन की बात कर रही हूं इन्होंने क्या किया इसके इसके साउथ साइड में ठीक है इसके साउथ साइड में यहाँ पर साउथ साइड में और दूसरा क्या था दूसरा इसके नॉर्थ साइड में ठीक है तो यहाँ पर साउथ और नॉर्थ मतलब कि एक ऊपर से और एक नीचे से तो दोनों तरफ से इसको क्या किया गया दोनों तरफ से प्लेन को उड़ाया गया अब वो जो प्लेन उड़ने की वजह से यहाँ से जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी वो क्रैश हो गई क्रैश होने की वजह से उनका ऊपर का पार्ट नीचे ढल गया तो वो बिल्कुल जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई ठीक है अब उसके बाद क्या किया गया उसके बाद जो दो बाकी के बचे हुए थे उसमें से जो थर्ड थी मैंने अभी क्या बताया मैंने अब आपको बताया कि दो तो, दो का काम तो हो गया जो तीसरी जो थी यहाँ पर जो थर्ड प्लेन जो हाईजेक किया गया था ना फोर हाईजेक किए गए थे प्लेन ठीक है दो को उन्होंने उड़ा दिया कहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग पर साउथ और वेस्ट साइड से तो यहाँ पर बिल्डिंग वैसे ही खत्म हो जानी थी जो दो का जो किया गया था, उसको अमेरिका के पैंटागोन नामक सिटी थी ठीक है पेंटागौन. पेंटागोन पैंटागोन एक क्या था आ, मतलब बिल्डिंग का नाम था तो उस पर फ्लाई किया जाता है और ये भी जैसे वो फ्लाई करती है तो ये भी मतलब नष्ट हो जाता है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है जो फोर्थ नंबर की बची थी बच्चे वो फोर्थ नंबर की जो जो प्लेन बची थी जब उसको उड़ाया गया मतलब जो उन्होंने हाईजैक किया हुआ था तो उसको क्या किया गया वो उड़ाना तो देखो ये चाहते थे कि उसका जो मेन हेड ऑफिस था ना जहां पर सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था तो वो किया गया था कहां पर उस शहर का नाम क्या था तो वो किया गया था अमेरिका के कांग्रेस वाला जो अमेरिका की जो कांग्रेस पार्टी का जो एक हेड ऑफिस था वो उड़ाया तो जाना था मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना था लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय वो चला जाता है कहां पर ये जो पेनसिलिया जो था आपका एक पेनसिलियर के खेतों में वो चला जाता है और वहां पर वो क्रैश हो जाता है मतलब उसी से किसी को नुकसान नहीं हुआ तो फोर्थ प्लेन जो है उनका हाईजेक होकर कहां चला जाता है एक फील्ड में चला जाता है जो कि मतलब किसी को नुकसान नहीं हुआ था उससे तो इसी को कहा जाता है इस फोर्थ वाले इस ऑपरेशन को कहा जाता है जो कि बिल्कुल आ, मतलब वहां से टकरा करके उसको कोई नुकसान नहीं हुआ खेतों में ये क्रैश हो जाता है और इसी को कहा जाता है ऑपरेशन 911 क्योंकि यहां पर क्या था ये 9th नवंबर को किया गया था ठीक है 11th सितंबर को ठीक है तो 11th सितंबर को किया गया था इसीलिए इसका नाम 911 पड़ा अब यहां तक कि आपको बेसिक समझ में आ गया या थोड़ी खिचड़ी से मच गई बताइए यहां तक की कहानी क्लियर हुई आपको या नहीं कमान फटाफट जल्दी जल्दी बताओ जरा यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ और इसी 9/11 को अमेरिका का सबसे बड़ा आज तक का 9/11 इसी इसी 9/11 को अमेरिका का आज तक का सबसे बड़ा हमला कहा जाता है क्लियर है सबसे बड़ा हमला कहा जाता है इसको ठीक है बच्चे मोटिवेशन का जवाब आता है नो no, मैम मतलब आप किस सेंस से बोल रहे हैं समझ में नहीं आया इस सेंस में या मैं बोल रही हूं खिचड़ी बन गई या उस सेंस में बोल रही हूँ क्लियर बता दो गॉट इट अंडरस्टूड और नॉट अगर अंडरस्टूड मतलब समझ गए हो तो मुझे थम्सअप शो कर दो इफ यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द स्टोरी ठीक है नाउ शोमी और थम्सअप नो मैम नो मैम नो मैम क्या नो मैम बच्चे नहीं समझ में आया या समझ समझ में आ गया हो तो मुझे थम्सअप शो कर दो नहीं समझ में आया हो तो आप बता दीजिए कौन सा कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया ताकि मैं दोबारा आपको समझा दो क्योंकि बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टोम क्या था ऑपरेशन एंड्यूरम फ्रीडम क्या था नाइन इलेवन क्या था तो ये क्वेश्चंस आपके आएंगे बेसिक से क्वेश्चंस। कमॉन जल्दी बताओ बच्चे नॉट आई अंडरस्टुड क्या समझ में नहीं आए ये और बता दो क्लियर हो जाए ठीक है तो चलो अब यहाँ पर करते हैं शुरुआत अपनी नाइन इलेवन की देखो इलेवन सेप्टेम्बर इसीलिए इसको बोला गया ना नाइन इलेवन ठीक है इसीलिए इसको बोला गया था नाइन इलेवन दैट मीन्स कि इलेवन सेप्टेम्बर ये आपका मंथ है ठीक है नाइन्थ मंथ है सेप्टेम्बर है और ये आपकी क्या है ये आपकी डेट है ठीक है तो क्या कह रहे हैं इलेवन सेलिंग फ्रॉम द नंबर ऑफ द अरब कंट्रीज ठीक है अब मैंने क्या कहा अरब कंट्रीज की तरफ से नाइनटीन हाईजेकर्स आए थे उन्होंने अमेरिका के फोर प्लेन्स को हाईजेक कर लिया था अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट शॉर्टली आफ्टर द टेक ऑफ द फ्लू दैम इन द इंपोर्टेंस बिल्डिंग ऑफ यूएसए ठीक है तो यूएस की बिल्डिंग पर उन्होंने उसको फ्लाई कर दिया वन ऑफ द एयरलाइनर ईच द क्रैश इन टू द नॉर्थ एंड द साउथ ऊपर तो नॉर्थ से और साउथ से इसको क्रैश कर लिया गया टॉवर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो ये जो वर्ल्ड था ना बच्चे ये न्यूयॉर्क में ठीक है न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी सी एक बिल्डिंग बनी ट्रेड सेंटर ठीक है तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो इसके ऊपर तो तो की बात हो रही है ठीक है पेंटागन बिल्डिंग इन द एयर द अर्ली गॉटन तो यहां पर क्या गया वर्जीनिया में ठीक है तो वर्जीनिया में क्या किया था का प्लेन उड़ाया गया तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया वेयर द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट इज हेडक्वार्टर तो यहां पर बताया गया है कि जो वर्जीनिया में उनका यूएस का डिफेंस हेडक्वार्टर था तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको छोड़ा गया था किसको फोर्थ वाले नंबर को ठीक है लेकिन वहां की बजाय कहा चला जाता है ये जाकर खेतों में जो आपका जो पेंसिलियन था वहां के खेतों में जाकर यह क्रैश हो जाता है लेकिन वहां के वो जो ठीक-ठाक रहते वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ ठीक है द इराक इनवेजन अब ये इराक इनवेजन की थोड़ी सी कहानी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दोबारा से फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं अलोंग विद द इराक अले डेवलपमेंट ऑफ द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ठीक है तो ये जो इराक पर जो अटैक किया गया था इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे कितने 3000 पीपल्स राइट तो अनदर द जस्टिफिकेशन फॉर द इनवेजन वाज द परपोर्टेड लिंक बिटवीन द सद्दाम हुसैन गवर्नमेंट तो यहां पर डिमांड क्या थी ये जो सद्दाम हुसैन आप देख रहे हो ना ये कौन थे ये एक टेररिस्ट के लीडर थे ठीक है तो अलकायदा एक अलकायदा ग्रुप था उस ग्रुप के लीडर थे कौन सद्दाम हुसैन ठीक है तो गवर्नमेंट एंड द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो यूएस की गवर्नमेंट और इस सद्दाम हुसैन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी कौन था ये सद्दाम हुसैन क्या चाहता था ये यूएसए सद्दाम हुसैन क्योंकि यूएस ने कुवैत पर कब्जा किया था सॉरी कुवैत को छुड़ाने के लिए इराक पर कब्जा किया था और ये इराक से तो था ही तो ये इराक पर जो होने वाले जो यूएस ने जो अटैक किया ये इसको बहुत मतलब बुरा लगा और इसी का बदला लेना चाहता था इसीलिए उसने प्लेन्स को हाईजेक किया अब ये बताओ मुझे कहानी समझ में आ रही है मूवी अच्छी लग रही है कि नहीं जल्दी बताओ मुझे एक आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ मूवी टाइप में चल रहा है ठीक है चलिए द पार्टिसिपेशन ऑफ अलकायदा इन सेंस ऑफ द बुश एडमिनिस्ट्रेशन का इराक वॉज पार्ट ऑफ द बॉर्डर वॉर ऑफ द टेररिज्म इराक क्या था के ग्रुप का एक तरह से आप लगा लीजिए गढ़ था ये उसको छुपने की जगह पर ही ये इमर्ज हुआ था यहाँ पर रहते थे कुछ इस तरह की एक्टिविटी अलकायदा कर रहा था और ये इस तरह का जो देख रहे ना यूएस ने जो अटैक किया था उसका बदला लेने के लिए सारी चीजें बताई गई थी ठीक है क्लियर है आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं वट डज हैजमनी मीन्स अब ये हैजमनी क्या है बच्चे पॉलिटिक्स इज अबाउट द पावर जस्ट द इनविट ये बता चुकी हूँ मैं कि जब कोई किसी के हाथ में पूरी की पूरी पावर आ जाती है तो उसके अंदर एक तरह का ईगो आ जाता है और वो अपनी मनमानी करने स्टार्ट कर देता है तो इसी तरह की ये जो हैज मनी वर्ड जो है ये एक डोमिनेंस के सेंस में देखा जा सकता है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ हुआ है ठीक है हिस्ट्री की कल हिस्ट्री क्लास कल होगी बच्चे हिस्ट्री की क्लास कल होगी एक दिन हिस्ट्री की होती है एक दिन पॉलिटी की होती है तो अभी सी के एग्जाम की वजह से क्योंकि वहां पर मैराथन चलती थी तो मैं क्लास नहीं ले पाई लेकिन अब रेगुलर सेशन होंगे तो एक दिन हिस्ट्री होगी एक दिन पॉलिटी होगी एक दिन हिस्ट्री एक दिन पॉलिटी ठीक है तो जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी क्लास में और छह बजे होगी हो तो नेक्स्ट क्लास देख लीजिएगा हिस्ट्री की होगी ठीक है तो उसके बाद दिस पावर इज इनफॉर्म द मिलिट्री कैंपेन अब ये क्या कहता है पॉलिटिक्स अबाउट द पावर जस्ट द इंडिविजुअल वांट टू गेन एंड रिटेन द पावर टू द गेन एंड रिटेन पावर वी रूटीनली टॉक समवन बिकेम द पावरफुल समवन ड्यूरिंग द समथिंग फॉर द पावर भाई पावर के लिए लड़ाई हो रही है ये ये पूरी ये जो जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं युद्ध होता है वॉर होती है कुछ भी होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ पावर की वजह से होता है ये सिर्फ शक्ति को हथियाने की वजह से होता है कि हमारे पास पावर होनी चाहिए हमारे पास ही सब कुछ होना चाहिए बाकी सारे सब सब मेरे अंडर में होने चाहिए मैं सबका राजा होना चाहिए तो ये जो पावर की भूख है ना बच्चे यही सारे फसाद की जड़ है यही वॉर को क्रिएट करती है ठीक है मैम जोग्राफी की क्लासेस भी होती है अंडर ट्वेंटी फोर पर हाँ जी बच्चे होती हैं बट अभी स्टार्ट नहीं हुई है अभी नई फैकल्टी आई है तो वो स्टार्ट कर देंगे ठीक है कंट्रीज ग्रुप एंड द कंट्रीज एंड द एंगेज इन द कंस्टेंटली ट्राइंग टू मैं बता चुकी हूं पहले कि हजमनी का मीनिंग क्या होता है और किस तरह के दिस पावर इज इन द फॉर्म ऑफ द मिलिट्री डोमिनेशन और इस तरह की पावर जो होती है वो मिलिट्री डोमिनेशन के लिए होती है ठीक है तो जिनके हाथ में पावर आ गई तो हो बत यह भी तो होगा कि उसकी मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो यू एस की मिलिट्री जो है वो दुनिया की सबसे स्ट्रांगेस्ट मिलिट्री मानी जाती है ये बात और है कि यू एन की जो यूनाइटेड नेशन ई यू थी उसकी जो आर थी वो सेकंड नंबर की थी लेकिन फर्स्ट नंबर की आर्मी किसकी थी यूएस uh, की आज भी है इकोनॉमिक पावर भी उसकी बहुत अच्छी होगी पॉलिटिकल भी पॉलिटिकल क्लॉट्स भी बहुत अच्छे होंगे कल्चर सुपीरियरिटी भी होगी तो ये सारी चीजें जिसकी बहुत अच्छी होगी फोर डायमेंशन के आस्पेक्ट से अगर हम सोचें तो ये सारी चीजें जहाँ पर एक ही कंट्री में अवेलेबल होगी तो वो कंट्री सुपर पावर अपने आप मानी जाएगी क्लियर है बच्चे यहाँ तक नेक्स्ट पर चलते हैं हैज़ अ मनी एज अ हार्ड पावर ये हैज़ अ मनी को हार्ड पावर क्यों बोला गया है हार्ड पावर का मतलब एक ऐसा सॉलिड एक ऐसी ठोस शक्ति जो कि हर कंट्री के पास ना होकर के सिर्फ एक ही तो सुप्रीम पावर होती है ना जैसे गॉड एक होते हैं तो गॉड हम कहते हैं ना कि गॉड इज़ अ सुप्रीम सुप्रीम का मतलब गॉड से ऊपर कोई है ही नहीं तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन चल रही थी किसकी स के साथ में द रूट ऑफ द वर्ड हैज अ मनी लाइज इन द क्लासिकल ग्रीक बता चुकी हूं अभी अभी बताया था मैंने ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ हुआ है ठीक है द वर्ड इम्प्लाइज दैट लीडरशिप और द प्री डोम ऑफ द स्टेट एंड ओरिजिनली यूज टू डिनोट द प्री पोडेंट पोजिशन ऑफ द एथनेंस वाइज वर्सा ऑफ द सिटीज स्टेट द ग्रीस ठीक है तो यहां पर धीरे धीरे क्या हो रहा था यूएस अपनी हैजा मनी बाकी की अदर कंट्रीज पर दिखा रहा था तो जो कंट्रीज जैसे कुछ कंट्रीज इसमें एंड ऑफ बायोपोल्टी में किया बताया गया था कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो कुछ कंट्रीज उनके साथ हो गई थी यूएसएसआर के साथ रह गई थी कुछ कंट्रीज जो है वो यूएस की तरफ चली गई थी लेकिन मैक्सिमम कंट्री ने यूएस का साथ दिया था और यूएस की मेंबर बन गई थी ठीक है अब जब उसका मैक्सिमम पार्ट वो चला जाएगा तो जब यूएस US का यूएसएसआर का डिस हो गया था तो बाकी कि जो बची हुई कंट्री थी वो भी चली जाती है किसके पास में यूएस के पास में क्योंकि अब मगरमच्छ से दुश्मनी मोल नहीं लेनी थी ना तो कहते हैं ना कहावत सुनी होगी आपने पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जा सकती भाई जब हमें रहना ही वर्ल्ड में है और एक हमारी जिसके हम अंडर में काम करने जा रहे थे अब वही नहीं रहा हमारा लीडर ही नहीं रहा तो हमारे उसका फायदा क्या तो वो जाकर के फिर

रिलेशन आपस में समझदारी के मतलब एक जो रिश्ता होता है रिलेशंस होते हैं तो जो बाकी की कंट्रीज हैं उसकी अलायंसेस बनी है उनको एक दूसरे का साथ देकर चलना पड़ेगा स्ट्रांग रिलेशन बनाना पड़ेगा पैटर्न एंड द बैलेंसिंग ऑफ द मिलिट्री मिलिट्री कैपेबिलिटी ठीक है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए उसका मेंबर कंडीशन ये थी कि उसका मेंबर वही बनेगा जिसकी मिलिट्री स्ट्रांग होगी जिसकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन होगी वो स्ट्रांग होगी बाकी जो पुअर कंट्री की थी वो क्या करते क्योंकि अगर मान लीजिए यूएस को कभी जरूरत पड़ी कभी पैसों की फाइनेंशियल जरूरत पड़ी मान लो उसको आ, किसी वॉर में वो पार्टिसिपेट कर रहा है और उसको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ती है या मिलिट्री की जरूरत पड़ती है तो जो कंट्री जो कंट्री उसकी मेंबर बनी है उसके पास मिलिट्री बहुत स्ट्रॉग है तो वो अपनी मिलिट्री को यूएस की तरफ से लड़ने के लिए भेज देगा या यूएस को फाइनेंशियली हेल्प करेगा वो तो इस तरह के मेंबर्स उसने बनाए गए थे यूएस ने तो बिटवीन द स्टेट दिस इज द नोशन ऑफ द हेज एज द मिलिट्री प्री डोमेंस दैट जर्मनी जर्मेन टू द करंट पोजिशन एंड रोल द यू एस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ये सारे के सारे एरना ये शो करते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएस का क्या हाथ रहा है क्योंकि यूएस के बिना वर्ल्ड पॉलिटिक्स को काउंट ये नहीं किया जा सकता इसीलिए इसको सुपर पावर कहा गया है क्योंकि सारे जितने भी जो आ, काम होते थे या जितने भी जो भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता था वो यूएस के द्वारा ही लिया जाता था ठीक है तो ये इसकी थी फॉर जैसे डू यू रिमेंबर दैट आयशा हु देयर लैक अमेरिका मिसाइल अटैक तो अमेरिका ने जो मिसाइल अटैक किए थे उसकी वजह से आयशा ने अपना पैर खो दिया था इट इज हार्ड पावर हैज अ मनी दैट इज ब्रोकन द आयशियाज आयशियाज बॉडी इफ नॉट हर स्पिरिट तो ये एक क्या हो गई एक तरह की एक तरह की हैजा बनी हो गई तो जो जो अपनी दादागिरी अपनी पावर को शो करने के लिए उसने मिसाइल्स को जो लगाया गया था उसने मिसाइल जो फेंकी गई उसमें उसकी, उसकी जो टांग थी वो लॉस्ट हो गई उसकी जो पैर था वो लॉस्ट हो गया तो एक तरह से इसको हार्ड पावर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं है वो अपनी मनमानी करेगा जिसके पास पावर आ जाएगी वो तो अपनी मनमानी करेगा ही तो इसीलिए इसको हार्ड पावर बोला गया है ज अनी एज अ स्ट्रक्चर पावर अब ये हैज मनी को स्ट्रक्चर पावर क्यों बोला गया है द सेकेंड नोशन नोशन क्या कहते हैं बच्चे नोशन कहते हैं थिंक को सोच को ठीक है विचारों को तो क्या कहते हैं नोशन कहते हैं सोच को विचार को द नोशन ऑफ द हैज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट जो फर्स्ट वाला जो हमने देखा इसको हार्ड पावर uh, बोला गया था उसके अलावा इसका बिल्कुल ऑपोजिट है डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट इट इमर्जेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनमी ठीक है तो इसका इट इमर्जेस फ्रॉम तो ये जो आपका uh, बताया गया हैजमनी जो यूएस की जो हैजनी थी वो बेसिकली थी क्या ये क्यों इमर्ज हुई थी इट इमर्ज फ्रॉम अ पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड इकोनॉमी तो वर्ल्ड की इकोनॉमी को समझने के लिए उसको उसमें उसके अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए ये हैजमनी लागू की गई थी और इसीलिए इसका वो किया गया था इमरजेंस की गई थी देखो सिंपल सी बात है मतलब पूरे अगर आ,

तो की को कैसे कैसे किया जाए, उसका उसका स्तर ऊंचा उठाया जाए द बेसिक आइडिया दैट एंड इकोनॉमिक रिक्वायर्स द डोमिनेंट पावर टू सपोर्ट द सर्टेन एंड द एग्जिस्टेंस तो किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर पर्टिकुलर मुद्दे पर Uh, कोई भी कोई सीरियस मैटर चल रहा है कोई भी सीरियस मुद्दा चल रहा है तो उसको उससे बाहर उस मुद्दे से बाहर या उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना चाहिए तो ये कहलाती है हैज अ मनी क्योंकि जो डिसीजन देगा वो तो एक ही दे सकता है यूएस दे सकता है और उसकी बात माननी पड़ेगी तो जब उसकी बात माननी पड़ेगी तो उसकी हैज़ अ मनी स्टार्ट हो जाएगी द हैज अ मनी मस्ट प्रोजेज द बोथ एबिलिटी अब ये जो हैज अ मनी है ये किस एबिलिटी को दर्शाता है बोथ द एबिलिटी एंड द डिजायर तो एबिलिटी कहते हैं कि आपके आपके अंदर किसी काम को करने की क्षमता है कि वो आप काम कर सकते हो ये आपकी एबिलिटी हो गई है दूसरा क्या कि आपको उस काम के करने की जो इच्छा है आपकी वो डिजायर है तो जब दोनों मिल जाएंगी तो पावर अपने आप हाथ में आ जाएगी ठीक है तो डिजायर टू द द सर्टेन नॉर्म्स ऑर्डर मस्ट बी सस्टेन द ग्लोबल स्ट्रक्चर ठीक है तो वो एबल भी था कैपेबल भी था यूएस की मिलिट्री भी हर चीज से वो स्ट्रांग था ठीक है साथ साथ में उसकी ये इच्छा भी थी कि वो वर्ल्ड की सुप्रीम पावर बने तो जब ये दोनों मिल गई तो बिल्कुल ताज तक तो ताज पर यह बैठ गया था ठीक है यूजली डज नॉट ऑन द एडवांटेजेस द रिलेटिव द डिटरमाइंड और ये सारी चीजें बाकी की उसी में आ जाती है मेंटेन द ओपन ठीक है

and the कल्चर डायमेंशन ऑफ द यूएस एस हैनी इसमें कल्चर को कोई डायमेंशन नहीं था दूसरा क्या किया गया है इसमें ना ही कोई इकोनॉमिक देखो आइडियोलॉजी जो पहले यूएसएसआर की और यूएस की कैपिटलिज्म थी ना यूएस की तो जो आइडियोलॉजी थी वो कैपिटलिज्म थी प्राइवेटाइजेशन को लाना चाहता था वो ठीक है तो प्राइवेट कर दिया था और यूएसएसआर की क्या थी सोशलिज्म थी तो अब इस कंडीशन में जब उसकी हैजमनी स्टार्ट हो गई थी तो इसने ना तो कल्चरली इस पर वो किया गया इसका कल्चरली सोचा गया डायमेंशन नहीं था और इस तरीके से बस और बस उसका दो ही चीजों पर फोकस किया गया वो था एक तो मिलिट्री पर और दूसरा इकोनॉमिकल कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चरिंग का मतलब किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट अगर मेजर की जाती है तो वो उसके इंडस्ट्रीज के ऊपर की जाती है अगर अपने इंडिया का अगर मेजरमेंट करना है कि इंडिया कितनी डेवलप कंट्री है तो सबसे पहले इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, तो उसके बारे में पता लगाना होगा कि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज की जाएगी तो उसमें वो कंट्री उतनी ही डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी ठीक है सपना गुप्ता क्लियर है ठीक है और थर्ड क्या था इसका देखो एक तो हो गया आपका उसका मिलिट्री मतलब मिलिट्री पर्पज था कि उसको स्ट्रॉन्ग करना था ठीक है दूसरा क्या हो गया उसको अपने आर्थिक टर्म से तो इट वुड बी हावर बी मिस्टेक टू सी दैट यूएस हैज अ मनी इज प्योरली मिलिट्री इकोनॉमिक टर्म्स विदाउट द कंसिडरिंग आइडियोलॉजी ऑन द कल्चर डायमेंशन दैट यूएस हैज मनी ठीक है तो मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों ही चीज थी यूएस के पास में तीसरा क्या कहता है सेंस ऑफ द दनी दैट इज कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चरिंग ठीक है तो ये तीन चीजें इसमें काउंट की जाएंगी नेक्स्ट क्या कहता है अमेरिकन Concentrate. पावर सब की नजर अब किस पर थी अमेरिका पर थी अब आगे का स्टेप अमेरिका क्या लेना वाला है ठीक है तो सारे लोग उसके ऑर्डर का फॉलो करना भी जरूरत है क्योंकि सुप्रीम पावर थी नहीं करते तो उनको पनिशमेंट मिलती या वो अपने ग्रुप से उसको बाहर निकाल देता था कोई प्रोटेक्शन का कोई उनका लेना देना नहीं था तो एक तरह से छोटी कंट्रीज़ को बड़ी कंट्रीज का ये सुप्रीम सुपर जो पावर थी उनकी तरफ से उनको एक सिक्योरिटी की प्रॉमिस की गई कि उनके तरफ से कोई भी अगर बाहर से कोई अटैक करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया पर अटैक करता है पाकिस्तान तो इंडिया की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है यूएस की ठीक है तो यहां पर फुल सिक्योरिटी का एक इंश्योरेंस दिया गया एक प्रॉमिस किया गया तभी वो छोटी छोटी अलायसेज उसकी क्या बन जाती है पार्ट बन जाती है हिस्ट्री क्या कहती है हिस्ट्री टेलस द एम्पायर्स डिक्लाइन बिकॉज दे डिके फोर्थ विदिन भाई अब ये देखो हिस्ट्री क्या कहती है जब एक एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है पूरा का पूरा साम्राज्य डिक्लाइन हो जाता है पतन हो जाता है तो उसके बाद उसकी दूसरी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है दूसरा एम्पायर स्टार्ट हो जाता है तो कोई ना कोई तो आएगा ना उस एम्पायर को रूल करने के लिए ठीक है तो द बिगेस्ट कंस्टेंट अमेरिका हैज अ मनी लाए विद इन द हार्ट ऑफ द हैज मनी इट्स सेल्फ वी कैन आइडेंटिफाई द थ्री कंस्टेंट ऑफ द अमेरिकन पावर तो हम तीन आस्पेक्ट से इसको सोचेंगे कि यूएस की हैज मनी कब और कहाँ से किन चीजों के बेस पर स्टार्ट हुई थी नन ऑफ दिस कंस्टेंट सीम्ड टू ऑपरेट इन द ईयर्स ऑफ द फॉलोइंग नाइन इलेवन ठीक है तो ये में हम पता कर चुके हैं कि क्या था जो किए गए थे उसके उसको ठीक है तो एक तो ये था कि यहाँ से पता चल गया था कि जो अलकायदा के साथ में अच्छा जो सद्दाम हुसैन था उसको पकड़ने में अमेरिका के नाको चने चबवा दे थे उसने मतलब कि जहाँ भी जाता वो हमेशा बच कर चला जाता वो पकड़ में ही नहीं आ रहा था एटलीस्ट क्या होता है बहुत आ, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद या बहुत टाइम के बाद वो पकड़ा गया लेकिन वो एनकाउंटर में मारा जाता है ये बात और बात है लेकिन वाकई में जो है सद्दाम हुसैन ने बिल्कुल यू की जो पुलिस आर्मी थी या उसकी जो भी आर्मी थी पुलिस थे जो भी डिपार्टमेंट था उसको वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान किया और बाद में फिर वो क्या करते हैं मार देते हैं. However, three, operate, और ये तो किस तरीके से देखो दीज नाइन जीरो सेवन पेयर्स ऑफ द बूट रिप्रेजेंट दू एस सोल्जर किल्ड इन इराक वॉर ये जो आप देख रहे हो ना ये इतने सारे जो बूट्स दिखाई दे रहे हैं बच्चे एक तरह की यादगार के तौर पर वहां पर रखे गए एक गार्डन में और ये नाइन जीरो नाइन हंड्रेड सेवन सोल्जर्स के ये क्या हैं ये उनके बूट्स हैं जो ये सोल्जर्स पहनकर उस लड़ाई में गए थे तो उनको एज अ मेमोरी वहाँ पर रखा गया है ठीक है ये बताया गया है दीस थाउजेंड पेयर्स ऑफ शूज रिप्रेजेंट द स्कोल ऑफ द एक्शन द इनवॉल्ड द फिफ्टीन थाउजेंड पेयर्स ऑफ़ द किल्ड इन वॉर और धीरे धीरे ये आप शूज़ देख रहे हो उनके कपड़े देख रहे हो इस तरीके से जो भी मफलर वगैरह वो यूज़ करते थे तो आज भी उसके uh, वहाँ पर देखे जा सकते हैं कि उसको यादगार पे तौर पर मेमरीज़ के तौर पर वहाँ पर गार्डन वगैरह में इसको दिखाया गया है ठीक है नेक्स्ट क्या आता है इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द यूएसए अब इंडिया का यूएस के साथ रिलेशन क्या है तो हमने पहले पढ़ा था ना कि इंडिया हमेशा नैम को फॉलो करता था नॉन अलाइनमेंट को कि ना हम यूएस का पार्ट बनेंगे ना यूएसएस का पार्ट बनेंगे तो यूएस ने क्या किया यूएस थोड़ा सा नाराज हो गया इंडिया से क्यों हुआ क्योंकि यूएस को इसकी नैम पॉलिसी पसंद नहीं थी इंडिया की नैम पॉलिसी पसंद नहीं थी तो यूएस ने गुस्से में आकर इंडिया को फाइनेंशियल ऐड करना बंद कर दिया था ना तो उसको कोई सामान देता था ना उसकी कोई हेल्प करता था तो गुस्सा होकर बैठ गया ठीक है इंडिया का लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझ करके और आपस में दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है वो कैसे होती है फ्रेंडशिप देखो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ईयर्स इंडिया फाउंड इट्सैल्फ द ऑपोजिट साइड ऑफ द डिवाइड फ्रॉम द यूएस इंडिया क्लोजेस्ट फ्रेंड ईयर विद सोवियत यूनियन इंडिया जो है देखो वो ऐसा नहीं है कि एक ही का फ्रेंड है तो सोवियत यूनियन के साथ में आपने देखा ना कि रशिया के साथ में ट्वेंटी ईयर्स की उन्होंने ट्रीटी साइन की थी तो वो दोस्त बनकर रहेंगे और ट्रेड जो है व्यापार एक दूसरे के साथ करते रहेंगे तो ट्वेंटी ईयर जैसे ही कंप्लीट हो गए थे तो ये ट्रीटी और आगे बढ़ा दी थी तो क्या कहता है ड्यूरिंग द कोल्ड वार ईयर तो कोल्ड वार ईयर्स 1949 से 91 तक जब चला था तो इस पीरियड के दौरान इंडिया फाउंड इट्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द डिवाइड फ्रॉम द यूएस तो यूएस के साथ के ऑपोजिट साइड में था जब कोल्ड वार एरा चल रहा था तो यूएस से ऑपोजिट साइड में था इंडिया इंडियाज क्लोजेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग दिस ईयर वॉज द सोवियत यूनियन और सो so, इंडिया का क्लोज फ्रेंड कौन था सोवियत यूनियन ठीक है आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इंडिया सडनली फाउंड इट सेल्फ द फ्रेंडलेस एंड द इंक्रीजिंगलीस्टाइल इंटरनेशनल एनवायरमेंट ठीक है तो जब यूएसएसआर का डिस इंटीग्रेशन हो जाता है सोवियत यूनियन का अब इंडिया अकेला पड़ जाता है ठीक है अब इसमें बताया गया इंडिया सडनली फाउंड इट द फ्रेंडलेस ठीक है बिना साथी का हो गया था इज एन इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल द इंटरनेशनल एनवायरमेंट ठीक है तो ये बिल्कुल किसी का साथी नहीं रहा था अकेला पड़ जाता है तो इसने क्या किया इंटरनेशनल इसको एनवायरमेंट uh, को हॉस्टाइल किया मतलब इस पर ध्यान देना शुरू किया किसने इंडिया ने द यूएस एब्सॉर्व अबाउट द सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द इंडिया टोटल एक्सपोर्ट इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर इंडिया में 65% जो सॉफ्टवेयर जो इसमें सेक्टर में जो भी काम मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में तो इसमें यूएसए 65% इंडिया को कंट्रीब्यूशन जाता है नेक्स्ट क्या कहता है 35% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ बोइंग द एस्टिमेटेड टू बी इंडियन ऑरिजन और 35% क्या होता है उसमें एस्टिमेट किया गया कि वो इंडिया की इन इन जगहों पर जैसे इंडस्ट्रीज को लगाना हो गया फाइनेंशियली जैसे आ, MNCs हो गई वहाँ पर स्टार्ट करता था तो 35% परसेंट यहाँ पर भी यूएस का कंट्रीब्यूशन है कहाँ पर इंडिया में थर्ट थ्री लैक्स इंडियंस वर्क इन द सिलिकॉन वैली अमेरिका की सिलिकन वैली में लगभग लगभग कितने बताया तीन लाख इंडियंस भारतीय जो है इसकी सिलिकन वैली में काम करते हैं फिफ्टीन परसेंट ऑफ द हाई टेक स्टार्ट अप्स बाय द इंडियन अमेरिकन तो इतना 15 परसेंट जो है वो इंडिया के हाई टेक्नोलॉजी उसको कंट्रीब्यूशन करती है यूएस तो यूएस का देखो कितना बड़ा हाथ है इंडिया को डेवलप करने में तो अगर यहाँ से दुश्मनी मोल ले ली जाती तो इंडिया में इतनी डेवलपमेंट नहीं होती तो इंडिया ने सोचा कि क्यों ना अब यहाँ से क्योंकि यू तो डिसंटीग्रेट हो गया था अब इसकी तरफ झुकाया जाए तो इंडिया को इतनी तरह की हेल्प देता था यूएसए लोकसभा डिबेट इंडो यूएस रिलेशनशिप तो इंडिया और यूएस के बीच के रिलेशन को लोकसभा में मुद्दा उठाया जाता है वो क्या था हियर आर द द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्पीचेस बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ड्यूरिंग द डिबेट्स लोकसभा अब इंडिया के लोकसभा में इस बात पर डिबेट होती है कि क्या उसको यूएस का साथी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए बनना चाहिए तो ये ये उनको जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे और नहीं बनना है तो ये ये नुकसान होंगे इस तरह की डिबेट चल पड़ती है ठीक है लोकसभा इंडो यूएस एग्रीमेंट न्यूक्लियर एनर्जी अब दोनों में क्या होता है इस बात को लेकर के एग्रीमेंट हो जाता है किस बात को लेकर के लोकसभा ऑन द इंडो यूएस एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट साइन होता है किसके ऊपर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर आर दी थ्री पोजिशन इन सम ऑफ द वे लिंकड द थ्री स्ट्रेटेजीज मैंशन इन दिस चैप्टर तो फर्स्ट क्या है डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस सेकेंड क्या है श्री आ, बासुदेव आचार्य जो कि सी के मेंबर थे और थर्ड क्या है मैजिक Uh... मेजर जनरल बी एस कुंदरी बीजेपी अब ये तीन जो लीडर आप देख रहे हैं ना इन्होंने सजेस्ट किया कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए मतलब मेन मुद्दा इन्होंने उठाया और रिजल्ट क्या निकला रिजल्ट निकलता है कि हाँ वाकई में अगर अपलिफ्ट करना है तो यूएस की तरफ थोड़ा सा सोचना चाहिए तो हाउ कैन द हैज मनी बी ओवरकम तो इस हैजा मनी को ओवरकम इसको काबू कैसे किया गया क्योंकि अगर किसी किसी चीज की जब बहुत ज्यादा अति हो जाती है तो एक्सेस एवरीथिंग इज बैड सुना होगा ना आपने कि हर किसी चीज की अति बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है तो जब यूएस की हेजमान धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो इसको रोकना इसको लगाम देना बहुत जरूरी था ठीक है मैम सीयूटी वाला कब आ...

चैप्टर से पर्टिकुलर चैप्टर से से आपको 40 से 50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो भी एमसीक्यूज़ फॉर्म में होने के बाद अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो आप तो सोचो जरा कितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी और वही प्रैक्टिस आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगी वही प्रैक्टिस आपके सीयूटी एग्जाम में काम आएगी बात समझ में आ गई है इट कैन बी ओवरकम बाय ऑपरेटिंग विद इन सिस्टम टेक एडवांटेजेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट क्रिएट्स विच इज नोन एज द गांव स्ट्रेटजीज अब ये बंद गांव स्ट्रेटजीज क्या थी देखो ऑपरेटिंग विद इन देजनिक सिस्टम टेक एडवांटेजेस तो ये क्या कह रहा है क्या पूछ रहे बच्चे आप ठीक है तो ऑपरेटिंग विद इन द दनिक सिस्टम टेक एडवांटेजेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट क्रिएट्स इज नोन एज बंदगांव अब ये क्या किया गया था इसको एडवांटेजेस क्या होता है इसका फायदा लेना तो इस तरह का जो ऑपरेटिंग था ऑपरेटिंग विद इन द मनिक सिस्टम तो जो डोमिनेंस वाला जो सिस्टम था यूएस का टेक एडवांटेजेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी तो इस चीज का ये फायदा उठाया गया कि जो वो हैज जो वो रूल अद, अलग अलग कंट्री पर कर रहा था या अपनी धाक जमा रहा था या अपना रूल एक तरह से उन पर आ, जमा रहा था हक जमा रहा था तो इसी को कहा जाता है बंदगांव स्ट्रेटीज तो बंदगांव स्ट्रेटीज का मतलब होता है कि वो रूल हमें फॉलो करने ही करने हैं ठीक है दैट फॉर द रिमूव्ड फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज द पॉसिबल अब यहां से अगर कोई इसके ग्रुप से अलग होता है तो, तो इसकी सिक्योरिटी बिल्कुल गई फिर उसका कोई लेना देना नहीं है यूएस की सिक्योरिटी से ठीक है तो जो इसका मेंबर बनेंगे वो उसकी सिक्योरिटी अवेल करेंगे जो नहीं बनेंगे वो उनको हेल्प नहीं की जाएगी Uh, US की तरफ से. तो नेक्स्ट विस्ट्री टीचर्स अबाउटनी है पढ़ चुके हैं मतलब है, तो ये जो इसका इतिहास है तो वो हमें क्या हमें सबक क्या मिलता, है? हमें लेसन क्या मिलता है क्या सीखने को मिलता है लॉजिक बैलेंस ऑफ द पावर ठीक है कि हमें क्या करना चाहिए बैलेंस पावर का बैलेंस करना चाहिए अब देखो पावर अगर किसी एक के हाथ में हुई तो वो तो अपनी मनमानी करेगा जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है भाई इतनी पावर तुम्हारे पास है इतनी पावर तुम्हारे पास है तो ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इससे उसकी मनमानी पर रोक लगाई जा सकती है अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है गवर्नमेंट सिस्टम में तो कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो एक में क्या हो गया आपके जो भी है आपका जैसे मान लीजिए लेजिस्लेचर है तो थोड़ी थोड़ी सी पावर लेजिस्लेचर के पास गई नेक्स्ट गई आपके एग्जीक्यूटिव के पास और गई लेजिस्लेचर के पास तो इंडियन गवर्नमेंट की पावर जो है वो तीन भागों में बट गई है तो अगर ये काम गलत करता है इसका काम क्या है कानून बनाना लॉ मेकिंग करना तो अगर ये कोई काम गलत करता है तो उसके ऊपर ये दो बैठी हुई है इसको ऑब्जर्व करने के लिए अगर ये करता है तो इसके ऊपर दो बैठी हुई है तो कहने का मतलब हर कोई डिपार्टमेंट जो है वो गलत काम करने से पहले दस बार सोचेगा कि अगर मैंने ये काम गलत किया तो बाकी के दो पार्ट या तीन पार्ट जितने भी हैं वो आकर उसको क्या करेंगे पनिश करेंगी और उसको अपनी पोस्ट से दखल कर सकती हैं तो एक तरह का डर लगा रहता है ठीक है तो यहाँ पर पावर का बैलेंस है ठीक है यूएस कंडीशन इंटरनेशनल अफेयर्स तो अगर ये इंटरनेशनल अगर ठीक है ये जज इसको बना दिया गया है सुप्रीम हेड इसको बना दिया गया है तो वो हेड की तरह से उसको काम करें ना कि पार्शियलिटी ना कि सिर्फ अपने भले में सोचे बल्कि जितने भी मेंबर्स हैं उसके अंडर में काम कर रहे हैं तो सबके भले के बारे में सोचे ये एक गुड लीडर का काम होता है दिस इज फॉर अ वेरी सिमिलर रीजन द एबसेंस ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट एवरी स्टेट मस्ट बी एंश्योर द ओन सिक्योरिटी इन द एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस इट्स ठीक है ऑन सर्वाइवल तो हर एक कंट्री को ये राइट right है कि वो अपने तरीके से सर्वाइव करें उसमें उसकी कोई डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए उसकी कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए तो काम ये करना ही करना है फ्रीली होकर उनको सर्वाइव करने दिया जाए एक्चुअल में यही होती है गुड लीडरशिप ठीक है क्लियर है तो ये था आपका यूएस है क्लियर है बच्चे बताओ जल्दी से यहां तक क्लियर है चैप्टर समझ में आ गया चैप्टर समझ में आ गया बच्चे ठीक है और अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताइएगा और अभी तक अगर आपने अड्डा के ऐप को डाउनलोड नहीं किया क्योंकि देखो डेली क्लासेस होगी बोर्ड क्लासेस आपकी वैसे हैं तो अगर तो कोई चैप्टर आपसे मिस हो जाता है या आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं या इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हर तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा ठीक है अड्डा की ऐप को डाउनलोड करोगे तो उससे आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एक तो ये कि जब जब क्लास होगी उसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन यानी कि जब सब्सक्राइब करोगे तो प्रायर इन्फॉर्मेशन हर क्लास की आपके पास आ जाएगी नोटिफिकेशन आती रहेगी और साथ साथ में आपको यह पता लग, लगता रहेगा कि अब आपकी हिस्ट्री क्लास है इंग्लिश की क्लास है हिंदी की क्लास है तो सब्सक्राइब करोगे तो यह फायदा होगा साथ साथ में जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो उसका टाइम भी पता चल जाएगा जितने भी आपके, आपके जो पी वगैरह होगी वो भी आपको मिल जाएगी तो सारी चीजें मिलेंगी तब जब आप अड्डा ट्वेंटी फोर की ऐप को डाउनलोड करेंगे ठीक है तो उम्मीद करती हूँ आई होप सो कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर ठीक है फिर भी अगर कोई आपका कोई कंसेप्ट रह गया हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा और अगर समझ में आ गया हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा ठीक है तो आपके कमेंट्स पर ही हम क्या करते हैं आगे की अपनी स्ट्रेटेजीज क्योंकि जितने आप कमेंट्स देते रहेंगे तो उससे हमें क्या मिलती है एक सपोर्ट मिलता है आपके कमेंट्स से ठीक है और पढ़ाने का एक एनर्जी हमें मिल जाती है आपके इसको कमेंट्स को देख करके तो उम्मीद करती हूँ चैप्टर समझ में आ गया होगा और और कमेंट uh, सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे ठीक है थैंक यू सो मच मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अपनी हिस्ट्री की क्लास में टिल देन टेक केयर बाय बाय अ नाइस डे